तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो यदिच्छया गामठमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्य बालैरवधूतवेषः। भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए रास्ते में जा रहे हैं, तो बड़ी छवि सुंदर का वर्णन है। दूरा देव विलोल लोचन पुटई आलोकितो बालकई स्त्री भी काम भरा लसेन मनसा सानंद मालिंगिता सिद्धोस्तीति नमस्कृता अतिजनई कैश्चिन मुदा साधनम श्रीमान व्यास मुने सुतो विजयते गच्छन परीक्षित समा। सुखदेव जी महाराज जब आ रहे थे, नग्न 16 वर्ष के हैं, श्यामम सदापि चवयोंग लक्ष्म्या स्त्रीनम स्त्रीनाम मनोज्ञम रुचिरस्मिते न, तो क्या हुआ, प्रत्युत्थितास्ते मुने स्वासने भ्यस्तल लक्षण अज्ञापि गूढ़वर्चस, सबके सब जो है महापुरुष लोग उठ करके खड़े हो गए। दूसरा श्लोक अन्यत्र विश्व प्राप्त है ये, दूरा देव विलोल लोचन कुटे रालोगी तो बाल कही, बालकों ने दूर से ही देख लिया, पीछे लग गए नागा बाबा आए, दिगंबर बाबा आ गए। स्त्री भी काम भरा लसेन मनसा पूर्ण तारुण्य लावण्य तरंगित कले वरा पद्मद्वारा जो थी, उन्होंने मन से ही उनका आलिंगन किया। स्त्री नाम दूरा देव विलोल लोचन पुटे आलंगित तो हुआ गई, स्त्री भी काम भरा लसेन मनसा सानंद आलिंगिता सिद्धोस्ती नमस्कृता। कुछ बड़े बड़े योगी इंद्र मुनीन्द्र अमरात्मा परस्म परमहंस भी थे, कौन थे उस सभा में, अत्रिर्वशिष्ठ च्यवनस्थ रद्वान अरिष्ट नेमिर भूरंगिराश्च मैत्रेय औरवा कवशक कुंभयो निर्वासुरो इत्यादि द्वैपायनो भगवान नारद। तो वो सबके सब प्रत्युत्थितास्ते हुए, आज हम देख करके उन्हीं का स्वरूप पुंडरीक गोस्वामी जी में देखते हैं। इनके पिताजी को देखा, क्या सरस्वती वाणी रस प्रवाहित होती थी, लोग डूब जाते थे गंगा जी की धारा में, जैसे गुप्ता लगाओ ऐसे ही गंगा जी की धारा की तरह, और इनको इस रूप में देखकर प्रतिष्ठित होकर के हम अभी देखो। बड़े सौभाग्य की बात यह है, परसों जो है पुनर्वसु नक्षत्र था, और पुनर्वसु नक्षत्र में बालक का दूसरे चरण में है, नाम ही उसका क्या है, के को हाही पुनर्वसु को विदेश्वर, कोविदेश्वर कोविदाम प्रवर ये नाम। और कल जो सेवा आ गई, देखो पुनर्वसु नक्षत्र में उनका जन्म नक्षत्र था, बालक हैं, और कल जो योग आया है रवि पुख्य योग था, और उसमें इसी राधारमण की सेवा प्रारंभ में मिल गई। कितना भाग्य, मुझे तो ऐसा भावना आया हुआ है कि इसी पिताश्री इनके भूति महाराज पुंडरीक आनंद वर्धन कोविदेश्वर के रूप में प्रकट हो गए, जैसे और राधा रमलाल जी से प्रार्थना करते हैं कि इनका उत्तरोत्तर अभिवन पुत्र से उदयाय च स्वपुत्र से उदयाय च, राधा रमन की सेवा करते रहे, इनके पुत्र का अभ्युत्थान होता रहे। जय हो। पूज्य गुरु जी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। आप सभी से निवेदन है, शांति से विराजमान हूँ। अब जिसका इंतजार था इस आनंद का, पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से हम और आप सब सुन के आनंदित होंगे। आज संध्या के समय का सत्र है, कथा के पश्चात दर्शन करें, दर्शन के पश्चात आप सभी रास मंडल बाहर है, वहां पर नृत्य होगा, आप सभी जाकर वहां बैठें और उसका आनंद भी लें। जय श्री राधे।
जय जय राधारमण हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल,
श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की श्रीमद् भागवत भगवान की जय जय श्री निताय गौर हरि गौर प्रेम नंदे हरि हरि। अर्चा और चर्चा की खिचड़ी का आप सब लोग आनंद कर रहे हैं। सेवा उत्सव के इस मंगल क्रम में एक प्रकार से आठों प्रहर हम लोग भगवत सेवा भगवत लीला भगवत भाव में अवस्थित हैं। श्री राधारमण जी बड़ी कृपा पूर्वक ये सौभाग्य दे रहे हैं। उनकी अंग सेवा और प्रसंग सेवा, उसका ये जो मंगलमय सत्संग है, ये दोनों इतने दुर्लभ विषय हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। हमारी श्रीमान जुनेजा जी और गीता जी के दिए हुए भाव और उनके मनोरथत्व में मैं भी एक संकल्पित सा हूं। राकेश जी, शायद अगर मैं एक सहज सत्संग का क्रम रखता, पहले भी जैसे हुआ है, तो उत्सवों की वजह से एक आध दो दिन उसमें रोक भी की गई है पूर्व की सेवाओं में, पर आपके द्वारा दिया हुआ मुझे ये संकल्प, चाहे कुछ ही देर सही, पर मेरी गुरु परंपरा के सेवा के इस ढंग का भी मुझसे निर्वाह करा रहा है। ये कहना भी अपनी सेवा का ढंग ही है।
आज मेरे अग्रज एक और गोस्वामी आचार्य को यहाँ उपस्थित होना था। मुझे कुछ देर पूर्व सूचना आई कि कुछ कारणों से उनका आना संभव नहीं हुआ, कुछ कॉन्शियसनेस की बात हो गई। तो फिर भी ठाकुर राधारमन जी ने अपनी व्यवस्था अपने आप बनाकर ये जो हमें इस एक व्यासपीठ से पूर्व कुछ क्षणिक एक आचमन करने का, सेवा से पहले आचमन के लिए बैठा जाता है, तो मैंने ये कथा में भी ये जो एक क्रम रखा था वो इस प्रसंग सेवा का आचमन स्वरूप था, जिसमें कल भी आचार्य चरण आए थे। तो आज जब ये खबर लगी तो एक क्षण मन में विचार हुआ कि फिर आचमन कैसे होगा, तो हमारे राधा रमण जी ने व्यास जी को बिठा दिया, तो आचमन हो गया, आपके वचन से आचमन हो गया। कुछ देर उनके वचनामृत और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुए। ये कुछ यहां संकेत हो सकता हो तो देख लो, कोई शायद कार्य चल रहा है, पर हम आप अपना कार्य भी आनंद से चलाए रखेंगे। घेरा है भाई, ये भी खिचड़ी है, टमाटर की चटनी के साथ खा जाइए, ये भी खिचड़ी। तो भागवत जी का एक आधार लेकर, हालांकि जो इसका अनुष्ठानिक पक्ष है उसको भी पूरा कराया जा रहा है। प्रातः आपके द्वारा पूजन आदि और भागवत जी के अनुष्ठानिक प्रबंध में जो उसके मूल पाठ और सब विषय हैं उसको यहाँ उपस्थित वरिष्ठ विद्वद्गण ब्राह्मणगण यहाँ संपादित कर रहे हैं। मैं उसका कुछ क्षणार्ध यहाँ कहने के लिए उपस्थित हूँ। क्षणार्धम क्षेमार्थम पिवत सुख गाथा तुलसुधाम। खुद भागवत जी में कहा क्षणार्धम, आधा क्षण भी पर्याप्त है। आज भागवत की कथा से पूर्व जो जिनको आकर बोलना था वो विषय खिचड़ी था। राधारमन जी में इस समय तो राजभोग में खिचड़ी भोग लग रही है, पर पौष में विशेष कुछ समय श्रृंगार आरती पर वो भोग लगती है, जिसको विशेष उत्सव के रूप में स्वीकार किया जाता है। फिर भी इन दिनों की खिचड़ी जब विशेष उत्सव नहीं होता तो राजभोग में लगती है, पौष में वो श्रृंगार आरती में लगती है। और वो खिचड़ी भी ऐसी है जिसे पाने के लिए बहुत युवा होना पड़ेगा महाराज। खूब घृत और मेवा से युक्त वो खिचड़ी ठाकुर जी को बड़ी पसंद है। श्री राधावल्लवीय परंपरा में भी खिचड़ी उत्सव की एक परंपरा है, वृंदावन में उसको एक अलग महत्व दिया है, कुछ खास होगा तभी महत्व दिया है। और मैं निवेदन करूं, पुराने अपने सब वैष्णव जानते खिचड़ी तो हमारे गुरुदेव की भी अति पसंद है। यहां कई लोग बैठे हैं जिन्होंने पूज्य श्री महाराज जी के हाथ की बनी खिचड़ी पाई है। खुद बड़े महाराज श्री भी
आस्वादन करने में उसके अत्यंत प्रिय उनको रही। एक प्रकार से सभी संयोगी वस्तुओं को, विरोधी वस्तु नहीं, कुछ मैं उसको अब उस विषय पे मैं बोल रहा हूं तो फिर अपने ढंग से कहूंगा, सबकी अपनी भंगी है। सहयोगी वस्तुओं को, विरोधी वस्तुओं को नहीं, जो एक दूसरे के अनुकूल हों, एक दूसरे के स्वरूप को निखारती हों, ऐसी सामग्री को एक साथ मिलाकर खिचड़ी बनती है। उसमें कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं हो जो एक दूसरे का विरोधी हो, बल्कि उस विलक पदार्थ के आने से उसका स्वाद बढ़ी। जैसे राधा रमन जी की खिचड़ी में मेवा भी डलती है महाराज, काली मिर्च भी डलती है। अब पाते पाते अगर तृण मात्र भी उसका स्वाद मुख में आए तो रस की वृद्धि होती है। एक एक चीज मिलकर के भी अलग अलग प्रतीत होती है, वो सब मिलकर एक स्वाद का निर्माण करती हैं, और स्वाद लेने पर उसमें उपस्थित हर एक वस्तु का स्वतंत्र स्वाद भी अनुभूत होता है। सब मिलकर, सब वस्तु मिलकर खिचड़ी बनती है। मिनिमम वस्तु, दो तीन बातें मैं रखूंगा। मिनिमम वस्तु, मैक्सिमम तो आप कौन सी मेवा और कौन सी वस्तु उसमें न डाल दें, कौन सी साग, कौन सी सब्जी, कौन से मटर, कौन से धनिया, कौन सी बड़ी बड़ी ड्राई फ्रूट्स उसमें डाल दें, वो सब उसके रस की वृद्धि करेंगे। पर इतनी सबकी सुविधा न हो तो मिनिमम वस्तु तीन है, दाल है, भात है और नॉन है, नॉन बरसों के में नमक। ये तीन चीज मिला करके, हालांकि वो बीमारों की बनेगी, वो स्वस्थों की नहीं है, उसके लिए तो फिर राधा रमन जी की है, फिर भी इतनी सुविधा न हो तो ये तीन चीज भी एक सलीके से बनाई जाए तो उस रूप में स्वीकार हो जाती है। हम जब इन तीन वस्तुओं को थाल में मिलाते तो ये दाल भात कहलाए जाते, जब इनको कढ़ाई में मिलाते हैं तो खिचड़ी कहलाई जाती। ये बनाने की एक, अब क्योंकि आज विषय ऐसा है, और मुझे उस विषय और भागवत जी का संतुलन बिठाना है, तो सत्य कहूं तो श्री राधारमन जी को उनकी कच्ची रसोई में गोस्वामी बंधुओं के द्वारा बनाई हुई खिचड़ी निश्चित रूप से अत्यंत प्रिय है। वो तो बड़ी सावधानी से लाए हुए साग सब्जी और रसद के सामान से बनती है। श्रीमद् भागवत भी भगवान की खिचड़ी है, मैं ये कहना चाह रहा था। श्रीमद् भागवत खिचड़ी है महाराज,
ऐसा और कोई ग्रंथ नहीं है, नहीं है। भगवत संबंधी जितनी और विवेचनाएं हैं उसमें सब कुछ सन्मिश्रित नहीं है। गीता गीता खिचड़ी नहीं है, गीता दूध है महाराज। ये बात मैंने नहीं कही, आचार्यों ने कही है, दुग्धम गीतामृतम महत्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सस सुधीर भोक्, पार्थ सुधीर भोक्ता है और दुग्धम गीतामृतम महत्। गीता दुग्ध है महाराज। चैतन्य चरितामृत पायस है महाराज, खीर है। पर श्रीमद भागवत जी, भैया कथा यहां है तो अपने आनंद से चलेगी, श्रीमद भागवत जी खिचड़ी है महाराज। सारम सारम जी महाराज, सारम सारम समुद्रतम, श्रीमद भागवत रूपी खिचड़ी श्री राधारमन जी नित्य पाते हैं महाराज। पास में व्यासपीठ लगी है और नित्य श्रीमद भागवत जी का मूल पाठ हमारे भट्ट जी महाराज के द्वारा श्री राधारमन जी नित्य सुनते हैं, नित्य आस्वादन करते हैं। वो एक वाह्य खिचड़ी प्रसाद है जो सामग्री से युक्त है, श्रीमद् भागवत आध्यात्मिक खिचड़ी है ठाकुर जी की महाराज, जिसमें सब एक दूसरे के लिए पोषक संयोजक और सहयोगात्मक सारी वस्तुओं को इतिहास पुराणा नाम आदि समस्त वेद वेदांतों से एकत्रित कर करके श्री भगवान व्यास ने इसको अवस्थित किया है। मम कर्ण रसायनम, ये भी तो आनंद है महाराज। गुरु एक लाइन बोले चुरो बाकी दूसरी लाइन बोले महाराज, सूताख्या ही कथा सार, सूताख्या ही कथा सार, सारी कथाओं का, सारे विषयों की, सब कुछ बना के व्यास जी ने जब सबकी खिचड़ी बनाई महाराज, सब कुछ मिलाया जिसमें, इस खिचड़ी में नीता जी मैं आपके भागवत के विषय को भी आगे बढ़ाता जा रहा हूं, 10 प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया गया है महाराज जी। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषणमूतय मन्मंतरीशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनमंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये दशमस्य विशुद्ध्यर्थम, ये जो दसविद लक्षण श्रीमद् भागवत जी के हैं। जैसे आप खिचड़ी पाओ तो कभी किसी दांत के नीचे लौंग बोलती है, कभी काली मिर्च बोलती है, कभी बड़ी इलायची बोलती है, तदनुरूप ही श्रीमद् भागवत के आस्वादन में ये 10 विध लक्षणों का स्वाद आता है महाराज। ये भागवत जी ठाकुर जी की खींच, ये 10 लक्षण महापुराण के लक्षण है। किसी ग्रंथ में 10 प्रकार की क्वालिटीज हो उसको जुनिजा जी महापुराण कहा जाता है।
लिटरेचर की दृष्टि से। पुराण मतलब अति पुरातन कथा, बहुत जो एंशियंट हो, इतनी एंशियंट हो कि हमारे आसपास की सराउंडिंग से हम उसकी रेलेवेंस को भी समझने में कठिनाई हो। जैसे आज जिस प्रकार से वृंदावन का, भीतरी वृंदावन का भी एक इतनी सारी कंक्रीट, इतनी सारी बिल्डिंग्स खड़ी हैं, और जब हम गर्ग संहिता, ब्रह्मवैवर्त पुराण या ये सब पौराणिक आश्रय लेकर वृंदावन के स्वरूप का चिंतन करते हैं, अभी हमारी सुरंदा जी हैं जिन्होंने पूरे ब्रजमंडल के ऊपर पीएचडी करके इसके विषय को और स्पष्ट किया है महाराज जी की आज्ञा के अनुसार, तो ऐसे घनघोर वन, ऐसी कुंजलताएं, ऐसे कदंब के वृक्ष आसपास आज का व्यक्ति उस व्याख्या से कनेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि पुराण इसका वर्णन कर रहे हैं। वर्तमान सराउंडिंग्स, उसकी रेलेवेंस के ऊपर प्रश्न चिन्ह करें, जो इतनी पुरानी हो उसको पुराण कहते हैं, जो कहीं की इतनी पुरानी बातें करें। तो ये किसी में भी ये 10 लक्षण हो उसे हम महापुराण की संज्ञा देते हैं। सबसे पहली खिचड़ी भागवत जी में पूरी खिचड़ी ही है सबसे पहले, तो इसके वक्ता भी, इसमें धाराएं भी 3 हैं, इसके प्रकाशक भी 3 हैं, इसके आस्वादक भी 3 हैं, इसलिए भागवत के प्रारंभ में इसके मंगलाचरण भी 3 हैं। महाराज जिस प्रथम श्लोक के मंगलाचरण का मैंने निवेदन किया कल, वो भगवान व्यास का मंगलाचरण है। दूसरा श्लोक मंगलाचरण का है, धर्म प्रोज्जित कई तबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते तृप्तभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणा। ये दूसरा श्लोक श्री सुखदेव जी का मंगलाचरण है, और निगम कल्पतरोर गलितं फलं शुकमुखाद अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभावका। ये तीसरा श्लोक श्री सूत जी का मंगलाचरण है। कथा 3 जगह से प्रवाहित हो रही है, वो तीनों जनों का विषय खिचड़ी बनकर भागवत के रूप में हम सबको मिला है। महाराज श्री व्यास जी के द्वारा जो लिखी गई, या लिखी गई से कहने से बेहतर होगा जो श्री सुखदेव जी को प्रदान करी गई,
क्योंकि उसका प्रमाण भागवत जी में प्राप्त होता है, लिखे का भी प्रमाण प्राप्त होता है। पर जो स्वयं व्यास जी सुखदेव जी को, या यूं कहिए वो भगवान जो व्यास में बैठकर उसे लिखा रहे हैं, तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपेण, वही भगवान व्यास जी के मुख से प्रवाहित होकर श्री सुखदेव जी के हृदय में अभिराजित होते हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं। तो जो कथा व्यास सुखदेव जी को सुना रहे हैं, जो कथा श्री सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं, और उस सभा में सूत गोस्वामी जी बैठकर सुन रहे हैं, और फिर प्रश्न करने पर जो कथा श्री सूत गोस्वामी जी शौनकादि ऋषियों को नेमिषारण्य क्षेत्र में सुना रहे हैं, ये तीनों सन्मिश्रित होकर श्रीमद् भागवत का स्वरूप खिचड़ी लेता है। एक घटना सरस्वती के तट की है, बद्रीनाथ की है, इसलिए व्यास जी का एक नाम है राकेश जी बादरायण। ये बद्री वन में रहते हैं सरस्वती के तट पर, और सुखदेव भागवत जी का निर्माण करते हैं, श्रीमद् भागवत जी श्री सुखदेव जी को प्रदान करते हैं महाराज। एक लीला बद्रीनाथ की है, दूसरी लीला गंगा तट की है महाराज। अब उस पर भी दो विचार हैं, जिसको हम एक आचार्यों से हमने सुना कि वो शुक्रताल नामक क्षेत्र है। फिर ये भी सुनने में आया कि शुक्र शब्द का प्रयोग तो कालिदास ने किया था, तो वो शक्र तीर्थ है, और ऋषिकेश में सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित को कथा सुनाई गई, ये भी एक संस्मरण है। अब दोनों में क्या है ये निर्णय विद्वान करें, हम दोनों ही मानने को तैयार हैं, इसलिए दोनों जगह कथा करी आते हैं हमारे, और इसी भावना से कराते, क्योंकि हम भी खिचड़ी खाने वाले आदमी हैं, सब मिला लेते। कुछ समय पहले शुक्रताल में भी कथा कराई, तो इसी भावना से कराई कि सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई थी, तो उससे कुछ समय पहले ऋषिकेश में कथा कराई, तो इसी भावना से कराई जैसे सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई थी। दोनों हाथ में लड़ुआ है महाराज, क्या झंझट में फंसना महाराज। ये तो सब आप जैसे विद्वानों का निष्कर्ष है निकाले महाराज। अगर मैं अपनी दृष्टि से कहूं तो हमारे सुखदेव जी निश्चित शुक्रताल में विराजते होंगे, हमारे सुखदेव जी निश्चित ऋषिकेश में विराजते होंगे, पर ये दोनों बातें हमारे लिए छोटी हैं। बड़ी तो ये है कि हमारे सुखदेव किशोरी के कुंज में विराजते हैं, हमारे सुखदेव जी किशोरी जी के लीला शुक होकर हमारे राधा रमण जी के कुंज में विराजते हैं। जब आरती के लिए पर्दा बंद होता है तब शुक और सारी का दर्शन करके आप हमारे सुखदेव जी को ढूंढ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। सुखदेव जी विराजते हैं, तो एक संस्मरण बद्रिकाश्रम का, एक संस्मरण सुखदेव जी के गंगा तट का है, और तीसरा संस्मरण नेमिषारण्य क्षेत्र का है। इसलिए भागवत जी
त्रिवेणी है महाराज, ये तीर्थ है महाराज। जैसे ये व्यासपीठ पर भी नाथ त्रिवेणी विराज रहे हैं, श्री रंगनाथ, श्री जगन्नाथ और श्री राधानाथ, श्री राधा रमन जी, तदनुरूप ही भागवत जी की कथा सरस्वती के तट पर लिखी गई, यमुना जी के तट का वर्णन हुआ, यमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत, और गंगा के तट पर सुनाई गई। ये सब खिचड़ी है महाराज। ये तीनों आचार्यों की परंपरा को ही हम लोग उनके ही शब्दों का सामंजस्य बिठा के 12 स्कंध में 335 अध्यायों में और 18,000 श्लोक अगर अनुष्टुप छंद से गणना की जाए तो इन तीनों आचार्यों के द्वारा लिखित, कथित और वक्तृत्व ही श्रीमद् भागवत की कथा रूप में परिणत होती है। ये ऐसी अद्भुत खिचड़ी है जिसमें जिसको संहिता की भी उपमा दी गई है। ये वेद तुल्य है और भागवत का महात्म तो ये तक कह देता है कि थोड़ा थोड़ा वेदातीत भी है, क्योंकि नारद जी ज्ञान भक्ति वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए जिस वेद वेदांत घोषिष्ठ गीता पाठेर मुहुर मुहु, बार बार वेद वेदांत गीता का अभ्यास करने के बाद भी ज्ञान भक्ति वैराग्य को स्वस्थ नहीं कर पाते, यहां नारद जी के द्वारा आयोजित करने पर सनकादिकों के मुख से केवल भागवत के महात्म मात्र का वर्णन करने से ज्ञान भक्ति वैराग्य स्वस्थ और प्रसन्न हो जाते। आजन्म मात्रमपियेन सठेन किंश्चित चित्तम विधाय शुकशास्त्र कथान पीता चांडाल वक्ष खरवद वततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननीं जनि दुख भाजाम। यह संहिता का स्वरूप भी है। श्रीमद् भागवत मैंने आपसे निवेदन किया, पुराणों की संख्या में भी भागवत को स्थान, ये ऐसा है जो सारे आसनों पर विराजमान होगा। संहिता के आसन पर भी बैठेंगे श्रीमद् भागवत जी, श्रीमद् भागवत जी पुराणों के आसन पर भी पूजित होंगी। श्रीमद् भागवत जी इतिहास के आसन पर भी पूजित होंगी, क्योंकि इसमें रामायण और महाभारत के इतिहास का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत जी इतना ही नहीं बल्कि स्वयं भगवान की तरह भी पूजित होंगी। केवल साधन नहीं, साध्य के रूप में भी पूजित होंगी। इसके 12 स्कंद श्री ठाकुर जी के 12 अंग ही हैं महाराज, द्वादशांगो वही पुरुषः। पादौ यदि यौ प्रथम द्वितीयौ तृतीय तुर्यौ कथितौ यदूरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठौ भुञ्जान्तरं द्वौ युगलं तथान्यौ कंठस्थु राजन् नवमौ यदीयौ मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लं एकादशं यस्य ललाट पट्टकम् शिरोपि यद्वादश एव भाति ही। इसलिए ऐसी खिचड़ी है जिसमें वामन पुराण का भी प्रसंग है, नृसिंह पुराण का भी प्रसंग है,
मत्स्य पुराण का भी प्रसंग है, ब्रह्म वैवर्त पुराण का भी प्रसंग है, ब्रह्मांड पुराण का भी प्रसंग है, अग्नि नारद पद्म लिंग गरुण कूर्म स्कंद सभी पुराणों को सम्मिश्रित किया है, यहां तक कि सारे उपनिषदों के परम सार, गीता का परम सार श्रीमद् भागवत में भागवत धर्म का निरूपण करते हुए एकादश स्कंध को अवस्थित किया गया है। एक तरफ इसकी कथा ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए है, तो दूसरी तरफ यही कथा भक्ति को प्रदान भी करने के लिए है। यथा हरु भगवती भक्तिर नृणाम भविष्यति। सारे के सर्वात्मन निखिलाधारित संकल्प वर्णये, सारे के सारे भावों को एक साथ जोड़ लिया व्यास जी ने। सही बात तो यह है कि पूरी भागवत जी की कथा में हमारे नंदलाल का जोर रहता है और श्रीमद् भागवत जी में हमारे नंदलाल की कथा तो नेक से दो पांच दस पंद्रह अध्याय में महाराज। वृंदावन की कथा आप लेते जाओ तो रासलीला हुई 33 बस पूर्वार्ध पूर्वार्ध मात्र के अध्यायों में, फिर भी उसकी अनुभूति यही रहती है कि हम श्री कृष्ण की कथा सुन रहे हैं। वो तो चौथे दिन आकर शुरू होती है महाराज, चतुर्थे कृष्ण जन्म, तब तो कृष्ण जन्म होता है मात्र, पांचवें दिन से फिर श्री वृंदावन की लीलाओं का प्रकाश प्रारंभ होता है। यहां तो प्रारंभ से शुरू करो तो विद्रोद्धव संवाद कहीं चल रहा है, कहीं विद्रो मैत्रेय संवाद चल रहा है, तो कहीं नारद जी का वसुदेव जी का संवाद चल रहा है, जनक नव योगेश्वर संवाद चल रहा है, कहीं पर बैठकर युधिष्ठिर का संवाद चल रहा है, विदुर और धृतराष्ट्र का संवाद प्रथम स्कंद में चल रहा है। करते 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 सारे संवादों को सन्मिश्रित करते हुए हमारे व्यास जी ने ठाकुर जी श्री राधा रमन जी के लिए भागवत रूपी खिचड़ी का ही निर्माण किया है। मैं जब एक क्षण अभी बैठा तो मेरा हृदय ये बात एकदम सहज बोला कि भागवत जी ही तो स्वयं हमारी ठाकुर जी की खिचड़ी ही है महाराज, जो बड़े आनंद से पाई जाती है, जो पूर्व मीमांसिक हैं उनके लिए भी श्रीमद् भागवत बड़ी उद्धारक है, क्योंकि पहले ही धुंधकारी के प्रसंग में आ गया श्रीमद् भागवती वार्ता प्रीत पीड़ा विनाशिनी, ये पूर्वजों को तृप्त करने वाली है, ये ग्रहों की चाल को ठीक करने वाली है, पूजाओं में इसका अनुष्ठान सबसे बड़ा माना गया है, इसके आनुष्ठानिक क्रम को अतिश्रेष्ठ माना गया है, बस सात दिन इसे मात्र सुन लिया जाए तो परीक्षित साक्षी ये श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने, परीक्षित साक्षी है कि मात्र सुनने मात्र से उसको परम गति की प्राप्ति हो जाती है। तो दूसरी तरफ उत्तर में मानसिक महिमा भी श्रीमद् भागवत की घटित है, जहां पर केवल सात दिन नहीं बल्कि आलयम पर्यंतम मुहुर मुहू भागवत जी के मंगलाचरण में आया, बार 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 जब अवसर लगे अनंत काल तक, जैसे भगवान शेष स्वयं बैठकर जिस कथा को गा रहे हैं, वैकुंठ में जिस कथा का प्रवाह सतत चल रहा है, वृंदावन के हर परिवेश में जिस रस की अनुभूति सतत प्रकाशित हो रही है, अनवरत रूप से जो लौकिक ऐहिक ऐन्द्रिक जागतिक भौतिक केवल अपने व्यवहारिक जगत को समर्थ देना चाहते हैं वो भागवत का आश्रय लें, या सारी कामनाओं से निवृत्त होकर वैराग्य के पथ पर अग्रसर होते हुए भक्ति में स्निग्ध होते हुए वृंदावन की विशुद्ध परंपरा से बैठकर भजन करना चाहते हैं, तो भजन में भी भागवत का ही आस्वादन कीजिए। दोनों तरफ की प्रणाली में सर्वश्रेष्ठ साधन के रूप में जिस ग्रंथ को स्थापित किया गया है, वो चाहे ब्रह्मचारी हो तो ब्रह्म को चरे, ब्रह्मचर्य
सुखदेव जी ब्रह्मचारी हैं, सबसे बड़े ब्रह्मचारी सुखदेव जी हैं। उसका कारण यही है कि वो जब चलते, चरण्या मतलब जो खाए और चली, चलती नहीं है, चरती है। जैसे पशु खाता भी है और चलता भी जाता है, ऐसे ही हमारे श्री सुखदेव जी चलते भी जाते हैं और मुख से भागवत के श्लोकों का गान भी करते जाते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य, ब्रह्म शब्द ब्रह्म का आस्वादन करते चल रहे हैं। ब्रह्मचारियों के लिए भी, गृहस्थियों के लिए भी, वानप्रस्थियों के लिए भी और वैरागी सन्यासियों के लिए भी, जो सर्वकृष्ट सर्वोत्तम संसाधन के रूप में स्थापित होता है वो श्रीमद् भागवत है। इसलिए जो सकामोपासना वाले हैं, कुछ सुनकर पाना चाहते हैं, आप जो गीता प्रेस की भागवत जी मिलती हैं उसको ले आइए, विशेष दो खंड वाली, और उसमें सबसे पीछे देखिए तो अलग अलग अनुष्ठानों का वर्णन है महाराज, ध्यान दीजिएगा कभी, उसके पड़ावों का वर्णन किया है। फलाने काम को पूरा करने के लिए इस श्लोक का संपुट लगा के इस इन इन अध्यायों का पालन करते हुए भागवत जी का पाठ किया जाए। 7 दिन के भी अनुष्ठान हैं, 11 दिन के भी अनुष्ठान हैं। मुझको स्मरण आता है कि बहुत बड़ी महामारी से निवृत्त होने के लिए भागवत जी में एक संपुट के साथ 21 दिन का अनुष्ठान है। तो जब कोविड फैला था और जो दूसरा लॉकडाउन लगा था वो 21 दिन का था, और मुझे स्मरण आता है कि उस समय मैंने कोशिश करके वो 21 दिन का भागवत जी का पारायण किया, उसका पारायण किया। देखो आप सब, मैं चटनी, बस थोड़ा चटनी याद कर लिया करो, जब इधर उधर से आवाज आया करी महाराज, ये सब आनंद है। टमाटर की चटनी है महाराज। तो इक्कीस दिन तो जो सकामी है उपासना करें, 6 महीना, वर्ष भर, 3 महीना, 4 महीना, उसका उल्लेख लिखा हुआ है, एक बहुत लंबा वर्णन है, ज्यादा उसकी व्याख्या की जरूरत नहीं। आप सबके घर में भागवत जी की मूल पोथी जी हैं, आप उसका अवलोकन करें। और दूसरी तरफ जो विशुद्ध निष्काम भावोपासना में रथ जन हैं, उनके लिए भी श्रीमद् भागवत जी का ही आश्रय परम आश्रय है। अब वैदी भक्ति का जो अभ्यास करते हो उनके लिए भी श्रवण भक्ति में श्रीमद् भागवत की कथा का आस्वादन करना सर्वोत्तम अनुष्ठान है। तो जो रागानुगा भक्ति का अभ्यास करते हो उनके लिए भी प्रमाण और प्रमेय के रूप में श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद ही स्थापित होते हैं। इतना ही नहीं, अगर भक्ति की पुष्टि भागवत जी से होती है तो यह भी श्लोक मिलता है, विद्यावताम भागवते परीक्षा, किसी विद्वान की परीक्षा भी श्रीमद् भागवत से होती है, ऐसा शास्त्रों में, क्योंकि इसका अर्थ गूढ़ार्थ है, यह समाधि भाषा का ग्रंथ है। सीधे श्लोक का यों ही अर्थ लगा करके इसके संपूर्ण रहस्य का उद्घाटन नहीं हो सकता। मैं तो ये बात कई बार निवेदन करता आया हूं, पाणिनि जी का आश्रय ले लो तो भागवत का शब्दार्थ लगता है, टीकाओं का आश्रय ले लो तो भागवत जी का भावार्थ लगता है, और किशोरी जी का आश्रय ले लो तो भागवत के रसार्थ का उद्घाटन होता है। इसमें जो अक्षुण्ण रस की स्थापना है, ये सब उसकी भाव भूमिका के रूप में परिणत होती है। तो इस दृष्टि से भी जो
विशुद्ध राग भक्ति करें। अरे यहां तक कि जितनी वैष्णव संप्रदाय हैं, चाहे वो वैष्णव क्या अद्वैत मत से भी युक्त संप्रदाय क्यों नहीं हो, वो भी अपने मत के संपूर्ण प्रमाण को बड़े आनंदता से भागवत के द्वारा ही संपादित करने का प्रयत्न करते हैं। फिर चाहे निम्बार्क हो, चाहे विष्णु स्वामी हो, चाहे वल्लभ हो, फिर चाहे माधु हो, चाहे गौड़िया हो, सभी रूपों में श्रीमद् भागवत प्राप्त होती हैं। इतना ही नहीं, हमारे गौर हरि तो श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम। महाप्रभु बोले, प्रेमा पुमर्थो महान, हमारा सिद्धांत प्रेम है और उस प्रेम का भाष्य श्रीमद् भागवत है। एक तरफ ज्ञान की दृष्टि से सबसे बड़ा वैरागी इनके वक्ता हैं, ज्ञान की दृष्टि से प्रमाण भागवत है और प्रेम का परमोद्घाटन करने वाली श्रीमद् भागवत है। मैं ये सब इसलिए आपको कह रहा हूं, इतना इसका विस्तार हो सकता है। सकाम स्वरूप, निष्काम स्वरूप। एक और बात मैं कहूं, भगवान के ऐश्वर्य पक्ष का अगर सर्वोत्तम उद्घाटन कहीं है तो श्रीमद् भागवत में है, तो वहीं अगर भगवान के माधुर्य पक्ष का सबसे बड़ा उद्घाटन है तो वो उसका भी प्रमाण श्रीमद् भागवत में ही अवस्थित होता है। ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों की ही प्रमाण की प्रमेयता भागवत के श्लोकों से युक्त होती है। सुंदर बात है, भागवत के श्लोकों को मंत्र के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कई ग्रंथ हैं निजा जी जो मंत्रात्मक ग्रंथ हैं, उनमें और कुछ नहीं है, केवल विविध विविध मंत्रों का उल्लेख है। अथर्ववेद में बहुत मंत्र हैं, बहुत मंत्र हैं। कई ग्रंथ हैं जो केवल सूत्रात्मक है, जैसे प्रसिद्ध ब्रह्म सूत्र, स्वयं श्री व्यास जी के द्वारा रचित ब्रह्म सूत्र केवल सूत्र देते हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः तत्त्व समन्वयात् शास्त्रयो नित्वा, ये चलता जाएगा क्रम, ये सब सूत्र हैं। सूत्र का मतलब होता है बीज, मेथड। सूत्र का मतलब मेथड, जैसे गणित में आप थ्योरम लगाते हैं, जैसे साइंस में आप सूत्र लगाते हैं, उसी प्रकार उपासना त्रिपथ विज्ञान के लिए जगत, जीव और जगन्नाथ, इन तीनों के स्वरूप की सिद्धि के लिए किन किन सूत्रों का प्रयोग होगा, कैसे उसको सॉल्यूट्यूड किया जाएगा, ये सब ब्रह्म सूत्र है। कई कई ग्रंथ केवल सूत्र व्यात्मक है, कई कई ग्रंथ केवल स्तोत्रात्मक हैं, स्तोत्रात्मक हैं। जैसे फिर से मैं दोहरा दूं, बड़े प्रसिद्ध विष्णु सहस्त्र नाम, ये एक बिल्कुल स्वतंत्र स्तोत्र ग्रंथ है, उसके ऊपर कथाएं होती हैं, उसका उद्घाटन होता है, उसका प्रवचन होता है, स्तोत्र ग्रंथ है। अनेकों ग्रंथ पुस्तक, और जैसे अब मैं वेदाश्रय में बोलूं तो यजुर्वेद में खूब स्तोत्रों की चर्चा है, अथर्ववेद में खूब मंत्रों की चर्चा है। कई कई ग्रंथ गीतात्मक है, वो स्तोत्रात्मक भी नहीं है, वो सूत्रात्मक भी नहीं है, वो मंत्रात्मक भी नहीं है, वो केवल गीतात्मक है। वेदाश्रय में बोलूं तो सामवेद गीतात्मक है महाराज, संगीत के द्वारा गाई जाती है, सारा संगीत ही सामवेद से प्रकट हुए हैं। और एक अगर प्रसिद्ध ग्रंथ की बात कहूं तो एकदम जो पहला नाम मेरे हृदय में प्रकट हुआ, आप सब परिचित हैं, वो गीत गोविंद है महाराज।
गीत गोविंद भगवान की गीतों की चर्च, अलग 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 सब हम सब जय जय देव हरे कभी कभी आरतियों में गाते हैं, या आप दशावतार का जो नृत्य देखते हैं, शायद यहां भी जो बाहर लीला मंचन होना है, जब भी आपको अवसर मिले उसका समय घोषित होगा, लगभग अलग अलग उसके प्रचार में दिया गया है। आज 7 बजे से भी कुछ है प्रस्तुति बाहर, चूंकि मंदिर में भीड़ की वजह से निषेध होने से ठाकुर जी, तो बस आपका भाव पक्का हो तो। वैसे इस बार जो हर बार जो नृत्य की व्यवस्था आपको मिलती थी वो तो ठाकुर जी का भीतर मंदिर प्रांगण था, पर इस बार जिनको नृत्य की व्यवस्था मिली है वो ठाकुर जी का नृत्य प्रांगण ही है महाराज। यहाँ तो ठाकुर जी दर्शन देते, वहां तो खुद नृत्य करते, रास मंडल है महाराज। अब तो और सौभाग्य की बात है, कोई लोग कह रहे हैं अरे हमको दूर जगह मिली, अरे दूर नहीं भाई, तुम केवल डिस्टेंस को मीटर से ही नापते हो क्या महाराज? ये तो दृष्टि है। ठाकुर जी राकेश जी 56 भोग छोड़कर भाव खाते हैं महाराज, क्या बात है। किसी के सामने इतनी वस्तु पड़ी हो वो फिर भी केवल भाव का आस्वादन करे महाराज। तो गीत आत्मक है, हम लोग गाते हैं दशावतार गीतात्मक है, और सब के अनेकों उसमें प्रसिद्ध गीत है। तो मैंने कहा कई कई ग्रंथ सूत्रात्मक हैं, स्तोत्रात्मक हैं, मंत्रात्मक हैं, कई कई ग्रंथ गीतात्मक हैं, श्रीमद् भागवत चारों हैं महाराज। भागवत जी सूत्रात्मक भी है, गुरु जी भाष्यम ब्रह्म सूत्राण। भागवत जी के प्रथम श्लोक में ही ब्रह्म सूत्र के सारे सूत्र यथावत उठा के व्यास जी ने धर दिए महाराज। अरे ये पहला तो बिल्कुल ही एज इट इज कॉपी है, जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र का सूत्र है, ये सूत्रात्मक है। श्रीमद् भागवत जी स्तोत्रात्मक भी है महाराज, इसको ठाकुर जी के सामने स्तोत्र की तरह वैष्णव गान करते हैं, और इसके भीतर अलग अलग स्तुतियां स्तोत्र के रूप में गाई जाती हैं। कोई भीष्म स्तुति गाता है, रोज सवेरे सवेरे निमाई पाठशाला के हमारे सब विद्यार्थी मंगला आरती के बाद ठाकुर जी के सामने भागवत जी के ही स्तोत्र पाठ कर रहे हैं। कल भीष्म स्तुति का गान हुआ, नारायण कवच का गान हुआ, बीच में रुक्मणी पत्र का गान होगा, ये सब ठाकुर जी के विविध विविध स्तोत्र हैं महाराज। सुखदेव जी मंगलाचरण कर रहे हैं, अलग 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 स्तोत्र। तो ये सूत्रात्मक हैं, ये स्तोत्रात्मक हैं। मैं निवेदन करूं ये मंत्रात्मक भी हैं। भागवत जी के अनेकों श्लोक मंत्र, और सबसे प्रसिद्ध भागवत का मंत्र श्लोक है कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कौन सा ऐसा भागवत का विद्वान पाठित नहीं होगा, कौन सा गुरु जी श्री व्यास जी ब्रज का वृंदावन क्या विश्व का कौन सा ऐसा ब्राह्मण भागवत का पाठ करने वाला होगा जो इस श्लोक को बोले बिना अध्याय में प्रवेश कर जाए महाराज? कोई नहीं, हर व्यक्ति भागवत जी का पाठ हो तो भागवत के इस श्लोक को संपूर्ण स्वतः लगा लेते हैं महाराज। हमारे महाराज जी कथा कहते बड़े महाराज जी, हम स्वयं भी प्रयास करके हर बार सबको भाई तावत रागादयस्तेन तावत कारागृहम गृहम ब्रह्मस्तुति में ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है कि जो राग की कारागृह है उसमें सब बंद हैं। भैया जरासंध की जेल में बंद सभी राजाओं ने इस श्लोक से भगवान की स्तुति करी, मंत्र किया तो खुल गया हमारा। ये भी हमारे जो राग के बंधन है ये श्लोक उन सब से खोलने वाला है।
प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्रात्मक श्लोक और ये तो मैं प्रसिद्ध बोला, विद्वान आचार्य जानते हैं, हमने भी उस व्यवस्था में पढ़ाई की है कि भागवत के अलग अलग श्लोकों को अभ्यास करने से क्या क्या कार्य बनते हैं। महाराज बहुत सारे भागवत की कथा भागवत का पाठ करने वाले जन एक श्लोक का अनुष्ठान करते हैं। महाराज जो सुखदेव जी के मंगलाचरण का श्लोक है, भूतैर महद्भि इमा पुरो विभुर निर्माय शेते यदमूषु पुरुष भुंगते गुणान षोडश षोडशात्मक सोलंकृष्ट भगवान वचांसि। यहां सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान मेरी वाणी को अलंकृत करो, कहते ये श्लोक सिद्ध हो जाए तो सरस्वती भी हंस को छोड़कर तुम्हारी जीव पर बैठ जाएगा। ये मंत्रात्मक श्लोक है। और कितने शुरू से लेके, और मैं तो यूं कहूं व्यास जी बैठे, भागवत का हर श्लोक मंत्र है हमारे, हर श्लोक मंत्र है, हर श्लोक सूत्र है, हर श्लोक मंत्र है, हर श्लोक स्तोत्र है महाराज, मंत्र है महाराज। अब मैं निवेदन करूं, ये सूत्र भी है, ये मंत्र भी है, ये स्तोत्र भी है, तो ये गीत भी है। जयति ते दीकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वद दैत दृश्यता से बड़े गीत होंगे, पर सब इस गीत के जूनियर ही है महाराज। हमारी भागवत जी का गोपी गीत सबसे सीनियर गीत है महाराज। बड़े से बड़ा बना लो, आहा, स्वयं श्री कृष्ण भी इससे बढ़िया गीत नहीं बना सकते महाराज। वो भी इसे बैठ के सुन रहे हैं, ये सबसे सुपीरियर है, प्रधान गीत, ऐसा गीत कोई नहीं कह सका। क्या बात है महाराज। और ये जो मैंने आपसे बात कही है, ये बात सर्व आचार्य प्रतिपादित बात है, प्रमाणित बात, सर्व स्वीकार्य है महाराज। बड़े से बड़ा भी बड़ी सहजता से कहते हाँ भैया, क्या कही है बात गोपियों, ऐसी प्रेम की अभिव्यक्ति आज तक कोई न कर सका जिसने साक्षात मनमत परमात्मा को सामने प्रकट कर दिया हमारा। ऐसा गीत जो ठाकुर जी पीतांबर पलट के सामने प्रकट हुए। कैसी लग रही है आज की खिचड़ी महाराज? ये सब है, अब खिचड़ी में समझ नहीं आता, इसलिए आज की कथा तुमको ऐसी स्वाद लेनी पड़ेगी। कभी लौंग बोलेगी, कभी इलायची बोलेगी, कभी कुछ बोले, कभी मैं इधर जाऊंगा, कभी उधर जाऊंगा, कभी इधर जाऊंगा, कभी वामन को लाऊंगा, तो कभी गोपी गीत में घुस जाऊंगा महाराज। खिचड़ी है भागवत ठाकुर जी की खिचड़ी है। तब कथामृतम तप्त जीवन
गीत है महाराज, ये सब गीत है। और अच्छा, ये तो सब मैं राग में या ताल में सुर संगीत में गोपी गीत गा रहा हूं तो आपको लगे कि ये गीत की तरह गाया जा रहा है। इसको तुम कैसे भी गा लो, ये गीत ही है, ये कुछ और नहीं हो सकता। कैसे भी जयति तेदिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दैत दृश्यताम दिक्षुतावकास्तय धृता सव त्वं विचिन्वते। ऐसे गा लो, जयति तेदिकम जन्मना ब्रज श्रयत। अब छंद ऐसो बनाया व्यास जी ने कि तुम कैसे भी कोशिश कर लो महाराज, इसका नाम गीत ही रहेगा। चाहे तुम इसे मंत्र की तरह बोलने की कोशिश करो, सूत्र की तरह, स्तोत्र की तरह, पर ये गीत ही रहेगा। पर मैं निवेदन करूं, भागवत जी का प्रत्येक श्लोक गीत है। कौन सा ऐसा श्लोक है? पिछली सेवा में हमने इस बार प्रार्थना करी, पर वो माघ मेला की वजह से नहीं थे। हमारे पारासर जी महाराज ने 5 वर्ष पहले जो सेवा भई सर्दी वाली, उसमें राधारमन जी को भागवत जी के विविध श्लोकों का राग कीर्तन के साथ, श्लोकों का क्या राग हम तो नहीं जानते, इतने क्या आनंद किया महाराज। कोई सा गालो महाराज, जो भीष्म ने कहा है वो स्तुति है, पर गाओ तो। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवी विभुमनी स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुम् प्रकृति मुपेयुषियत भव प्रवाह। बड़े बड़े गीतों को मात दे दे महाराज, ऐसा बढ़िया सुर लगे, ऐसा बढ़िया गाए, कोई सा भी श्लोक क्यों नहीं हो, कैसा भी उसका आनंद क्यों नहीं होगा, कहीं से भी उठा लो। कई श्लोक हम कथा में गाते हैं महाराज, वृत्तासुर अपनी स्तुति गा रहे हैं। कैसा बढ़िया लगे, है ये भी स्तुति महाराज। दासानुदासो भवितास्मि भूय मन स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु काया। कैसा सुंदर गान है तो आप सब हमारे श्रोता हैं ही हैं, आपको मालूम है। कोई सा भी, और मेरी तो ऐसा कोई संगीत की विज्ञता नहीं है, पर कोई संगीत विज्ञ हो तो अनंत रागों में भागवत जी के श्लोक को गाते हैं, गा ही सकते हैं, गाते ही रहते हैं। इसलिए ये गीतात्मक है महाराज। कुछ ग्रंथ केवल गीत होते, गीता गीत है महाराज, गीता गीत ही। श्रीमद् भागवत खिचड़ी है, ये मंत्रात्मक भी हैं, ये सूत्रात्मक भी हैं, ये स्तोत्रात्मक भी हैं, ये गीतात्मक भी है महाराज। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, हमारे राधा रमन लाल जी को जो एक अति प्रिय खिचड़ी पसंद है, वो खिचड़ी न राजभोग की है न श्रृंगार भोग की है, वो व्यासपीठ की है महाराज, जिसका नाम श्रीमद् भागवत नामक खिचड़ी है महाराज।
ये उसका परम आस्वादन करती है। इसलिए कहीं से भी उसका आनंद ले लो, सारे के सारे ब्रह्म सिद्धांत को, वैदिक सिद्धांत को, औपनिषदक सिद्धांत को, मीमांसाओं को, साहित्य की दृष्टि से भी। हां, एक और मैं चीज जोड़ू, कई कई काव्य ग्रंथ होते हैं, काव्य ग्रंथ। एक और अभी सोचते सोचते अनुभव आया, काव्य ग्रंथ। जैसे रामायण को एक काव्य ग्रंथ भी कहा गया है, जिसमें साहित्य प्रधान है, विषय वस्तु से ज्यादा साहित्य प्रधान है, जिसमें किस किस प्रकार से साहित्य के नौ रसों को हम आप चर्चा करते थे व्यक्त किया जाए, नौ के नौ रस, बीभत्स, रौद्र, भयानक, करुण, ये जो रस हैं। तो कई बार कई काव्य किसी एक रस पर आधारित होते हैं। ये करुण रस का काव्य है, ये श्रृंगार रस का काव्य है, ऐसे बहुत सारे काव्य हैं जो केवल एक करुण काव्य है उसका अपना। ऐसा कहा जाता है कि हिंदी साहित्य में एकमात्र रामचरितमानस ऐसा काव्य है जिसमें नौ के नौ भावों को युक्त किया गया है, नौ के नौ रस हैं रामचरितमानस में। मैं उसको प्रणाम करता हूं, पर एक बात कहूं, भागवत के एक श्लोक में नौ रस है महाराज, और प्रणाम करके कहूं सुखदेव जी ने भागवत के एक श्लोक में नौ रस गाए हैं। जब श्री कृष्ण कंस के दरबार में प्रवेश करते हैं महाराज, मल्ला नाम अशनिम वीर रस, ये इस पूरे श्लोक में नौ के नौ रस एक श्लोक में, ऐसा ग्रंथ ब्रह्मांड में नहीं है जिसके एक श्लोक में नौ रसों का संधान कर दिया गया। एक ग्रंथ में नौ रस हो, किसी एक ग्रंथ के एक श्लोक में नौ रस हो, यह अद्वितीय, असंभव, अवर्णनीय, अचिंत बात है। एक श्लोक करुण भी है, श्रृंगार भी है। श्रृंगार कब? जब मथुरा की युवतियां श्री कृष्ण को देख रहे हैं, उस समय श्रृंगार रस, एक ही शब्द में सुखदेव जी ने श्रृंगार रस का वर्णन। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, अब ये बंद हो गया, इसको करुण रस कहें कि बीभत्स कहें कि भयानक कहें, ये आप ही बताओ। मौन रस, तो मैं मौन होता हूं, धूप आरती का समय होने वाला है। अभी रुक जा, तुम्हारे इसको कहते हास्य रस। तो महाराज देखो,
इसको क्या कहेंगे महाराज, चमत्कार रस? नहीं है तो वीर रस है कि जो खैर। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, जब श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं, कंस बड़े बड़े मल्ल योद्धा उस समय बैठे हुए घुसते कृष्णमल राम को देखकर कह रहे हैं, संतोषण चारण मुष्टिक मल्लानाम अश्विनिम, कोई ऐसा लगता है हिंद केसरी चला रहा है सामने से। उसी श्री कृष्ण की त्रिभंग ललित मुद्रा में उनको बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दिख रहे महाराज, उसी माखन जैसी सलोनी चांद सा सलोना मुख है, और क्या है? कमर है? है कमर है पतली, क्या है बोल? अरे वो बाद में आ जा, वो तो पतो पतली कमर किंतु हाँ, और उसको कितने एब्स होते सिक्स, हमारा तो ऐब है बस एक ही, एक ही ऐब चल रहे अभी तो, ऐब ऐब को एस में और बदलना ऐब्स, यहाँ सब ऐब वाले ही बैठे हैं महाराज, बड़े बड़े ऐब हैं सबके। ठीक है तो उसको सामने लगता मल्ल योद्धा चला रहा है, श्री कृष्ण झूमते चले, उस समय उनकी अभी अभी कुबलया पीड़ हाथी को मारा है, माथे पर जैसे पहलवान के माथे शरीर पर मिट्टी चढ़ी होती है पसीना, श्री कृष्ण ऐसे धात में धात, उसी अंग को देखकर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, श्रृंगार रस बदल गए एकदम से, स्त्रियों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ठीक सामने लगता है कामदेव ही मुस्कुराते चले आ रहे हैं। स्मरो शब्द का प्रयोग, साक्षात कामदेव चले आ, किसी को स्वजन, गोपों को अपने स्वजन प्रतीत हो। एक ही श्लोक में हमारे श्री सुखदेव जी ने नौ के नौ रस उतार दिए महाराज। पूरे ब्रह्म अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, इसलिए भागवत की कथा होती है तो खुद ठाकुर जी अधीर होकर बैठते हैं सुनते हैं महाराज, ये कहते हैं ये अलग बात है, स्वयं बैठ के सुने महाराज। हमारे कौन सी व्यासपीठ का सेवी आचार्य होगा जो अपने प्रधान श्रोता के रूप में अपने ठाकुर जी को सामने नहीं बिठाता, हमारे महाराज गुरु महाराज परंपरा, हम लोग राधारमन जी को श्रोता के रूप सामने बैठता है हमारा ठाकुर कथा सुनवाई के। एक श्लोक में नौ के नौ रस खड़े हैं, इसलिए काव्य ग्रंथ के रूप में भी अगर सिंहासन के ऊपर कोई बैठेंगे पद्म ब्रह्म युगोस्तचामर युग बाराह संवीजितो, एक पुराण बैठकर पंखा झलते हैं, दूसरे पुराण बैठकर चमर डुलाते हैं, एक जलार्पण करते हैं, एक तांबूल अर्पण करते हैं, ऐसे श्रीमद भागवत पुराण सम्राट के रूप में इन सब के मध्य अविराजित होते हैं, काव्य ग्रंथ के रूप में, इसलिए जिसमें काव्य भी हो, जिसमें मंत्र भी हो, जिसमें स्तोत्र भी हो, जिसमें सूत्र भी हो, ऐसी खीचरी जो नेक सी कभी मीठी भी लगे, नेक तिक्त भी लगे, नेक अम्ल भी लगे, खिचड़ी का मतलब जिसमें ये रस हो सारे, चर्ब भी हो, चोष्य भी कुछ उसमें आए, जब आप खजूर पड़ जाए नेक सो चोष्य, लेह जैसा भी कुछ हो, इलायची, चर्ब चोष्य लेह भच्च भोज्य अम्ल तित्त कटकसाय मधुर, उसी प्रकार स्तोत्र सूत्र मंत्र गीत काव्य इन सबों से युक्त, स्वयं ब्रह्म पदार्थ से युक्त, साक्षात स्वयं भगवान ही महाराज, आहा सब मिलकर के उसका स्वरूप बनता है।
एक चीज बताऊं, पुरानी बहुत पुरानी सेवा की बात है, उसमें एक बात हमें ध्यान में आती है, ठाकुर जी की खिचड़ी बनी तो थोड़ा सबसे भोजन बनाने में सबसे कलाकारी का काम नमक को याद रखना है, ये सब जानती है माता है, इसलिए गोस्वामी जी ने भी कहा लवण बिना बहुव्यंजन जैसे, मानस की चौपाई है और स्वाद नमक में है महाराज। भक्तिहीन नर सोवही कैसे, बिना भक्ति के एक नर की कैसी शोभा है, लवण बिना बहुव्यंजन जैसे, स्वाद नमक में है। और तुम इलायची डालो भूल गए तो देख लो, पता चल जाएगी डली है कि नहीं। तुम काली मिर्च डालो देख लो, अपना छाप दिखा देगी कि मैं धबके के रूप में बैठी हूं। आप घी डालो भूल गए तो वो भी कोई चावल को चमका के बता देगा कि मैं भी अपना आसन जमा के बैठा हूं, सब बता देंगे। सब स्वाद का आधार नमक है और वो ही खो जाता है, नमक स्वाद बनता है, व्यंजन में स्वाद नमक खो जाता है। भागवत में किशोरी भी स्वाद ऐसे ही विराजमान रहती है महाराज, यही स्वाद है, ऐसे ही घुल जाती है महाराज। इसलिए ध्यान रखना महाराज, प्रिया जी भूल गए तुम पतो ही ना चलेगा, अगर तुम्हें याद ही ना रहे हो नमक डरोए कि ना डरो, और सोची कि नहीं डलोए और या सोच के तीन गुना डाल दियो तो है गयो जहर महाराज, न खायो जाएगो, और न डारवे में सोचो डारो और कौए दे दियो तो मोह बनाएगा, कैसो फीका प्रसाद दिया है। भोजन का स्वाद नॉन बढ़ा देता है, भागवत का स्वाद रसमालयम। गुरु जी जैसे घुल जाता है वो उसमें, चीनी जैसे वस्तु में जल में घुल जाती है, दूध में घुल जाती है, ऐसे ही रसमालयम प्रिया जी भागवत जी में घुल जाती है महाराज। इसमें आलयम प्रवेश करके इसका स्वाद बढ़ा देती हैं, और जैसे प्रिया जी दूध में घुल जाती हैं ऐसे ही श्री राधा रमण में घुल जाती हैं महाराज। वो जो घुलना ही राधा रमण का वही स्वरूप है महाराज, लवण बिना बहुव्यंजन जैसे, यही हमारी मन किया आज। देखो हमने भागवत जी कथा सुनाई है तुमको, इधर उधर नहीं किया, मैं विषय पर रहा, क्रम के लिए तो सब आचार्य बैठे हैं, तो सात दिन एक भाव का आनंद है। खिचड़ी को भी संभालने की कोशिश करी हमने, अब ठीक है। ऐसा हो जाता है, अब भागवत जी के भी क्रम को, इसलिए आज हम लोग श्री राधा रमन जी को शीतकाल में, ठाकुर जी को शीत में मेवा की और सब डली ऐसी खिचड़ी पाचन भी आसान देती है और गर्माहट भी लाके आती है। तो ये भागवत की ही मंगल खिचड़ी जो श्री ठाकुर जी की नित्य प्रसादी है, जो ठाकुर जी को आरोगने में भी आनंद देती है और इसको परोसने में भी सुख मिलता है, ऐसी श्रीमद् भागवत की मंगल खिचड़ी को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। ये भ शब्द कीर्ति वचनों ग शब्द ज्ञानवाचक सर्विष्ट वचनो वाश्च तो विस्तारस्य वाचक। भक्ति ज्ञान वैराग्य तरंती भवसागरात, त अक्षर तरने की तरफ संकेत करता है, त्याग से युक्त वैराग से युक्त अनुराग से युक्त
विवाद से संपूर्ण मुक्त महाराज, संवाद से पूर्ण युक्त, ऐसी श्रीमद् भागवत नामक आध्यात्मिक रसात्मक तत्वात्मक काव्यात्मक, हमारे गुरु महाराज की वाणी काव्यात्मक है महाराज, रसों से युक्त है। उसी प्रकार भागवत जी भी काव्यात्मक हैं। अच्छा हाँ, एक बात और जोड़ लूं मैं लगे हाथ एकदम, कोई कोई तत्व ग्रंथ भी होता है जहां केवल, जैसे श्री ऋग्वेद में खूब तत्वोद्घाटन है महाराज, जैसे भगवद गीता में तत्वोद्घाटन है, त्रिपद विज्ञान का उद्घाटन है, जैसे अष्टावक्र आदि के द्वारा, याज्ञवल्क के द्वारा, जैसे योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ तत्वोद्घाटन करता है, तत्वोद्घाटन ग्रंथ है योग वशिष्ठ, श्रीमद् भागवत अद्वितीय तत्व ग्रंथ भी है महाराज। और अगर भागवत जी के तत्व का अनुमोदन करना हो तो इसके एकादश स्कंध में वर्णित जनक नवयोगेश्वर संवाद के द्वारा संपूर्ण तत्व का मंगल में उद्घाटन अनेकों बार इस व्यासपीठ ने भी किया है। ये रसग्रंथ भी है, तत्व ग्रंथ भी है, बोध ग्रंथ भी है, सदग्रंथ भी है, सब कुछ है। ऐसी भागवत जी की मंगल खिचड़ी आज हमने आपको परोसी, थोड़ी बहुत वा में चटनी भी लगी, सब आनंद हुआ। जितनी यथा संभव हम सेवा कर पा रहे हैं उसका आप लोग आनंद लीजिए, क्योंकि दोनों तरफ की बात है। कई कई बार ये बात केवल कहने के लिए कही जाती है या करने के लिए कही जाती है कि भैया हमारा मन तो यहाँ है, हमारा शरीर तो तन तो यहाँ है, मन तो श्री राधारमण मंदिर में ही है। कई बार ऐसा हो इसलिए ये कहा जाता है, कई बार केवल कहने के लिए भी कहा जाता है, कई बार कहीं कहीं बचने के लिए भी कहा जाता है, पर यहां तो ये असलियत है महाराज। यहां तो अब कोई न कहने के लिए है न करने के लिए है, चूंकि भागवत जी की कथा तो चल ही रही है, पर तुरंत केंद्र वहीं बना हुआ है कि ठाकुर जी के भोग की तैयारी हो रही है, 56 भोग की तैयारी हो रही है, अन्न जो 36 व्यंजन की तैयारी हो रही है, जो ब्यारू की तरह ठाकुर जी को लगाया जाएगा, ये सब कल हमारे श्रीपाद गोसाई जी के, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज के जयंती उत्सव की तैयारी हो रही है। तो भैया तन हमारा यहाँ है पर मन तो श्री राधारमण मंदिर में ही लगा हुआ है, ये तो खबर है, अब केवल कहने की बात नहीं है। मैं आज जो भी बात बनी उसके लिए आनंद से यहीं पर विसर्जन की तरफ बढ़ता हूं। 2 मिनट भगवान नाम करते हैं, लगभग 7 बजे रास चबूतरा पर आनंद होगा, अवसर लगे तो देखिएगा। हाँ कितने बजे थी? हाँ, एक निवेदन है कि कल, क्योंकि श्री यहाँ नगर कीर्तन है जयंती उत्सव पर, हम आप सब लोग ठाकुर जी की श्रृंगार आरती करके, क्योंकि बहुत रात्रि की देरी करने से भी ठंड ज़्यादा है और सुबह भी, तो ऐसा वैसे क्रम भी यही है, क्योंकि सज करके ही तो जाता है डोला में, सज के ही तो निकला जाता है। तो ठाकुर जी का जब श्रृंगार पूर्ण हो गया तो श्रृंगार आरती के बाद सब यहाँ से पालकी डोला तैयार रहेंगे और हम लोग नगर कीर्तन के लिए श्री मंदिर के सामने से कल निकलेंगे। जो भी श्रृंगार आरती लगभग 10:30, 10:45, 10 जैसे भी हो, आप उसको केंद्र मानिएगा, आरती पूरी होते ही निकलेंगे। सबके भोग की भी कल जो नाश्ता भोग बाल भोग है
वो अच्छी तरह बनाया जा रहा है, क्योंकि दिन के समय आप कीर्तन में होंगे और अलग अलग स्थानों पर आपको बहुत कुछ खावे पीवे को भी मिलेगा, कहीं समोसा मिलेगा, कहीं गाजर का हलवा मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा। तो इसलिए कोई इस, फिर भी जब वैजयंती भी पहुंचेंगे तो कुछ वहां पर भी ऐसा रखा जाएगा, ऐसा पूरा उसका पथ है। तो आप सब खाते पीते आनंद करते नाचते कूदते ये आनंद श्री गोसाई जी श्री राधारमण लाल की जय जय करते चलेंगे। तो जो दोपहरी की प्रसादी है वो ऐसे यथावत तो वहाँ नहीं होगी, फिर भी जो लोग यहाँ हों उनकी कुछ व्यवस्था वहाँ अवश्य रहेगी। पर कल जो बाल भोग है वो खूब विस्तृत रहेगा, अन्न क्षेत्र भी उस समय तक चलता रहेगा। सांगजी जी हमारे खूब गौतम खूब आनंद से उसकी अन्न क्षेत्र की व्यवस्था देख रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता आनंद है कि जो भी लाल जी के दर्शन को आ रहे हो मन भी भरो जा रहे हो, पेट भी भरो जा रहे हो हमारे। बस तो ऐसा कहवे ना, पुराने लोग कहते ना कि मन का रास्ता पेट से जाता है शायद, ऐसा कोई बोलता। तो बस दोनों ठाकुर जी ने व्यवस्था की है, तो अन्न क्षेत्र ठाकुर जी का चले इससे क्या बर्थ है। अन्न ब्रह्म है महाराज, यहाँ अन्न ब्रह्म शब्द ब्रह्म यही सब तो ठाकुर जी की सेवा करते हैं महाराज। पूर्ण ब्रह्म की सेवा ये सब ब्रह्म से ही होती है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी यही सबरी व्यवस्था है, वो चल रहा है। फिर नगर कीर्तन, इसलिए कल जो कथा का समय है उस समय तो नगर कीर्तन चल रहा होगा। तो आप सब ध्यान रखिएगा, मंगला आरती यथावत है, उसके बाद में मैं भीतर ठाकुर जी का जो कुछ नित्य की सेवा है अभिषेक आदि सब करके श्रृंगार आदि का जो क्रम करके, फिर उसके बाद में मैं लगभग थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, क्योंकि ठाकुर जी भी हमारे आनंददायी हैं महाराज, मूडी हैं, जैसा भाव बने। अब कभी कभी एक माला धारण करने में 15 मिनट लगा सकें और कभी पोशाक बदरवे में 5 मिनट आनंद करें, ये तो उनको उनको सुख है महाराज। डोरें भागें खेलें आनंद करें महाराज। तो या वजह सो कच आगे पीछे भी है सके, पर योजना ये है कि 7 बजे से प्रातःकाल कथा का यहाँ क्रम रखा जाएगा, 7 बजे से 9 बजे तक का क्रम रहेगा, उसके बाद आपका बाल भोग चलेगा और फिर हम लोग फिर नगर कीर्तन में चल पड़ेंगे। तो कथा कल दोपहर में नहीं है, कल भी सुबह केवल इसलिए क्योंकि ये दोनों बैठे नहीं तो बिल्कुल, मैं तो नगर कीर्तन वाले दिन तो 2-3 सेवाओं में उस दिन राधे राधे ही हुई है बस महाराज। उस दिन मैं एक बार तो बस औपचारिकता पूरी करने को यूँ बैठा और यूँ उठ गया बस महाराज, कि कुछ उस दिन इतनी व्यस्तता रहती थी। फिर भी ये विचार हमने किया है जिससे कुछ थोड़ा आधे घंटा कुछ सेवा हो जाएगी 7 बजे से 9 बजे तक सुबह। अब मैं देखूं कि आप सब सच में कितने कथा प्रेमी हैं, क्योंकि इतनी ठंडी में सवेरे आना आपके प्रेम को और भी प्रमाणित करेगा, आपके आपके आनंद आएगा। और बढ़िया बात है, हम तो रोज सुबह आ ही रहे हैं महाराज, नहा धोई के आपस में आओ महाराज, सवेरे सवेरे 5 बजे ठंड को पतो तब चलेगा महाराज। पर एक बात बताऊं, ऐसी ठंड में गर्माहट लाल जी के प्रेम की बनी हुई है महाराज। सारे बाहर के हीटर फेरे हैं, पर ये जो भीतर ये चिंतन को हीटर है, यानी सौरी गर्माई बनाए रखी है। कभू कभू तो अपरस होने में ऐसो भी होनो पड़ो कि साधन ना बहे तो ठंडे ठंडे ते पानी ते नाही के सेवा करनी पड़ी। पर ओह कल भी एक बार, पर जिस समय आहा बिल्कुल एक एक रोम खिलखिला पड़ा, आनंद आया महाराज। जय हो ठाकुर तुम्हारे अपरस की। जब ऐसी शीतकाल के प्रातःकाल है आप गर्म रजैया से हट उतर करके और फिर महाराज बिल्कुल मतलब बोलना चाहते हो बम भोले, पर वो बम तक ही काम हो जाएगा, लगो ये सो कि हथगोला चले हो महाराज, विस्फोट हो बिल्कुल ब्रह्मरंध्र के ऊपर विस्फोट हो गए महाराज। तो क्या आनंद आ रहा है, तो उसकी अपनी शोभा है। पर सब आनंद आप सब यही तो सुख मिल रहा है, आप सब आनंद ले रहे, हंस रहे, मुस्करा रहे, यही तो चर्चा। तो खिचड़ी आज आपने पाई है नवरसों की, उसका आनंद लीजिए। तो कल फिर सवेरे कथा को क्रम, फिर नगर कीर्तन को क्रम, सब मंडलियां वहां चलेंगी हमारी, श्री
जलंधर की भी सब परिकर, लुधियाना परिकर, सबकी मंडली अपनी अपनी है, पूरा एक क्रम बना हुआ है। और बड़े बड़े जो अलग अलग राज्य के अलग अलग वहाँ के जो लोक वाद्य हैं, उड़ीसा में घंटोरा बजता है, नासिक का जो अपना एक वाद्य है, वो सब भी श्री लाल जी के नगर कीर्तन की शोभा का आनंद करते हुए आगे आगे चलेंगे। और हम सब लोग और जो युवा हैं वो भी विशेष ध्यान रहे, डोला लेकर टीम बन के उनको लेकर चलना है और बढ़िया आनंद होगा। अलग पूरा क्रम 2-4 घंटा का रहेगा, फिर आके संध्या को सब लोग मंगल दर्शन का खूब आनंद लेवेंगे। ये कल की सूचना है। फिर परसों तो श्री ठाकुर जी का 56 भोग का भाव है, वो लगेगा मंदिर जी में, ठाकुर जी पावेंगे, कीर्तन चलेंगे, आप उसको प्रसाद। फिर आपको भी मैं एक निवेदन कर दूं, आप सबको भी अब सूचनाओं का इतना टाइम नहीं मिल रहा, आप सब लोग खूब भरपूर प्रसाद ऊपर से लीजिए। कोई कोई जो एक आध दो दिन के लिए आ रहा हो, जा रहा हो, तो वो संकेत करके मांग के कि मैं जा रहा हूँ, तो उसको दलिया और जो पटका सेवा का में बना है वो उसे खुद मांग के छीन ले, हंस के मेरा ये मन। तो बिल्कुल ऐसे आप लेने के अधिकारी हैं, आप ले लें उसको। और उसके बाद 56 भोग का तो डिब्बा डलिया सब बनी जाएगा, वो भी आप सब और अलग अलग स्थानों पर बनेगा। बड़ी सुंदर व्यवस्था इस बार एक और ठाकुर जी ने जोड़ी है कि नित्य जो श्री ठाकुर जी की कच्ची रसोई की प्रसादी है, वो वृंदावन के जो अत्यंत सिद्ध स्थान महापुरुष हैं, कोई कोई ऐसे हैं जो जैसे टटिया स्थान आदि, जो अपने स्थान के बाहर भी नहीं जाते हैं, या उनके भजन के क्रम ऐसे हैं, या आयु की अवस्था ऐसी है, या वो आवे तो शायद यहाँ थोड़ी व्यवस्था आगे पीछे हो भीड़ की वजह से, उन सबको भी श्री लाल जी की कच्ची रसोई पहुँचाई जा रही है महाराज। वो सब अपने अपने स्थान पर उसका आस्वादन कर रहे हैं, इससे भी हृदय को बड़ी प्रसन्नता है कि खूब ठाकुर जी का सुख मिल रहा है। तो ये सब हो तो बहुत कुछ रहा है, एक दिन मैं सूचना कथा ही करूँगा कि क्या क्या हुआ, क्या क्या आनंद हुआ, कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है, इतनी जगह चल रहा है, इतनी सारी चीज़ें छोटी छोटी कि मुझको भी स्मरण में नहीं है, एक लिस्ट बनेगी तो ही आनंद होगा। पर सब आनंद ये है कि याद रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो चला रहा है वो अपने आप याद रखा हुआ है महाराज, और कार्य भी कर रहा है। ठाकुर जी अपने आप सब लीला कर रहे हैं। मैं यहीं पे आज का सत्र विश्राम करूं, कल मंगला का दर्शन सुबह होगा ही, तदुपरांत 7 से 9 आप ठंड में, और ज्यादा लोग आएंगे तो पास पास बैठने से गर्मी कम, सर्दी कम लगेगी, ऐसा एक उपाय है सुबह के लिए। कम लोग आएंगे तो ठंड ज्यादा लगेगी, जगह रहेगी उसमें हवा घुस जाएगी। उसके बाद में फिर श्रृंगार आरती के बाद ढोल निकलेगा, भीतर से जय जय हो गई है, हम सब लोग भी सेवा और दर्शन को बढ़ेंगे। श्री राधा रमण लाल की जय, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा। Jai Jai Radha Ramana.
जय जय राधा रमण हरि हो, जय जय राधा रमण हरि हो, राधा रमण हरि हो, जय जय राधा रमण हरि हो, जय जय राधा रमण हरि हो, एक सूचना रह गई थी कि कल 7 से 9 जैसे कीर्तन होगा, तो ठीक 9 के बाद 9:30 ठाकुर जी की दर्शन उधर खुलते हैं, फिर हिजोरिनेस इंद्रदुम्न स्वामी महाराज के द्वारा ही कल, और श्री गोविंद महाराज के द्वारा हरि नाम संकीर्तन मंदिर प्रांगण में है वो चलता रहेगा श्रृंगार आरती, और उसके बाद जब तक डोला नहीं निकलता। तो आप सब एक जोर से हरि बोल बोल के कल महाराज जी का स्वागत कीजिए। अभी बोलिए कल के लिए।